हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू क्रेजी किचन। आज मैं आपको साबूदाना बड़े की रेसिपी बताऊंगी कि झटपट से बन जाएगा। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसमें सबसे पहले साबूदाना लेंगे हम। ये साबूदाना हमारा 2-3 घंटे भिगा कर रखा है। ये पीनट है, सेंगदाना, ये रोस्टेड है, ये धनिया पत्ती है चॉप किया हुआ, ये हरी मिर्च है 2 से 3 जो मैंने काट कर ली है, ये सेंधा नमक है, फलारी नमक क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, ये हमारे बॉइल्ड पोटैटो हैं 2 जो मैंने मैश करके लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं पहले कढ़ाई रखूँगी और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर रही हूँ मैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा हम साबूदाने का डो बनाएंगे, जैसा कि उसका एक मिक्सचर रहता है, डो टाइप से वो बनाएंगे। अभी सबसे पहले इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की है, इसको मिक्स करूँगी। अब इसके बाद जो हमारा मैश पोटैटो था, मैश करके लिया था, उसको मिक्स करूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें जो पीनट है इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, इसको मिक्स करना है, अच्छे से इसको मिलाना है। अब जो हमारा सॉल्ट है, पलारी सेंधा नमक, उसको मिलाऊंगी मैं इसमें और इनको मिक्स करना है अच्छे से। अब इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने 3 हरी मिर्ची मिलाई इसलिए 1/2 ही मिलाऊंगी। अब ये थोड़ा सा धनिया पत्ती मिलाऊंगी मैं, कोरिएंडर, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद भी आता है और काफ़ी अच्छा इससे खुशबू भी आता है। इसको डो को अच्छे से मैश करना है, जो पूरा के पूरा उसमें पोटैटो पीनट सब अच्छे से मिक्स हो जाए और सभी जगह इसका इवन टेस्ट आए। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसका बॉल बनाऊंगी। पहले हाथों से दबा दबा कर इसका थोड़ा बॉल टाइप से बनाऊंगी, फिर इसको फ्लैट करके एक चपटा सा, जैसे वो रहता ना हमारा गोल टाइप से टिकिया बनाऊंगी। अब इसका उसी टाइप से दूसरा टिकिया बनाऊंगी। इसको हाथ से हम फ्लैट करके बनाएंगे तो ये फूलेगा और अच्छे से परफेक्ट अच्छे से तलाएगा, नहीं तो अगर इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो ये बीच में से कच्चा रह जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा हाथ से प्रेस करके ही बनाया जाता है। मैं इसी टाइप से सारा बना लूँगी दबा दबा कर हाथ से, और इसको थोड़ा सेप दीजिए जो कि सभी का सेप एक सा इवन आए। इसका सेप आएगा और अच्छा सा फ्लैट रहेगा तो ये काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा फ्राई होगा। इसको हम डीप फ्राई करेंगे, आप फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई करने से इसका अलग ही टेस्ट लगता है। और ये देखिए कंप्लीट हो चुका है मेरा, मैंने बना लिया है, ऑयल भी मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डीप फ्राई करूँगी, एक एक करके मैं सारी टिकिया को डालूँगी। ये हमारे साबूदाने बड़े हैं, कई लोग इसको साबूदाने कटलेट्स भी बोलते हैं। वैसे तो हम इनको व्रत में खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्रत में ही खा सकते हैं, इसको आप एज अ स्नैक्स कभी भी मॉर्निंग में इवनिंग में इंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए बस केवल आप सेंधा नमक नहीं डालेंगे तो वैसा बन जाएगा, और सेंधा नमक डाल के ये व्रत का बन जाता। अभी इसको टच नहीं करना है, जब तक ये नीचे से थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश नहीं होगा तब तक हम इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये टिकिया टूटने का डर रहता है। अभी देखिए इसका हल्का सा ब्राउनिश हुआ, हम इसको टर्न कर रहे हैं, एक एक टिकिया को आप टर्न करिए और फिर देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज लग रहा है, मतलब पीछे की तरफ ये हल्का हल्का सा हो गया है। इसको थोड़ा सा फ्लेम इसका सिम रखना है जिससे कि क्रिस्पी हो। अगर फ्लेम आप तेज रखेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन और अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको सिम फ्लेम पे बनाना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत रहता है, थोड़ा इसको सिम पे बनाना पड़ता है। एक बैच बनने में आपको इस 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो हमारा एक बैच कंप्लीट हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा फूल भी रहा है, टिकिया जब कंप्लीट होगी तो फूल जाती है और एक अलग ही क्रंच देती है। ये जो हम आज का रेसिपी बना रहे हैं ये हमारा नवरात्र स्पेशल है, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो चुका है तो उसके लिए हमको इस टाइप का स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग व्रत करते हैं उनको इसे खा के काफ़ी अच्छा लगता है, दिन भर के भूखे रहते हैं लेकिन शाम को आप इस टाइप का स्नैक्स लें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा परफेक्ट बन गया है, कलर काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब ये हम इसको निकालेंगे हमारा
लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा टर्न जो आपको लग रहा है कम है उसको टर्न कर दीजिए। ये देखिए कंप्लीट होने पे आ गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। इसको निकालते टाइम थोड़ा सा दबा के निकालिए जिससे ऑयल आपका कढ़ाई में ही रह जाएगा। हल्का सा इसको दबाइए और निकालिए। ये काफ़ी क्रंची होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। एक बार जो भी खाएगा इनको बार बार बनाएगा। ये व्रत के लिए हैं इसलिए मैंने तो इसे दही से सर्व किया है, पर आप चाहें तो हरी चटनी से या दही से किसी भी चीज़ से इसको सर्व कर सकते हैं। इंजॉय करिए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप के और भी आपको वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय व्यूअर्स।